तो चलिए दोस्तों, आज करेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू रियलमी की ओर से आने वाले इन रियलमी बड्स 2 का, और देखेंगे यार क्या कुछ खास नए फीचर्स हमें रियलमी ने रियलमी बड्स 2 में दिए हैं। दोस्तों, जब रियलमी ने अपना रियलमी बड्स 1 लॉन्च किया था तो वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। उसी के साथ अब रियलमी लेकर आ गया है अपने रियलमी बड्स 2। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इन्हीं रियलमी बड्स 2 की। तो दोस्तों, अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो इस तरीके का बॉक्स हमें रियलमी के साथ मिल जाता है, जिसपे सामने की ओर हमें ब्रांडिंग मिल जाती है रियलमी बड्स 2 की। और साथ ही साथ अगर बॉक्स के पीछे की ओर की मैं बात करूँ तो पीछे की ओर हमें इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि रियलमी बड्स 2 में हमें 11.2 mm का बेस पुश ड्राइवर मिलता है, और साथ ही इसमें हमें बुलेटिन मैग्नेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। रियलमी बड्स 2 के साथ हमें डुअल एंटी ट्विनिंग केबल मिलती है, और साथ ही साथ उस केबल में हमें एक केबल ऑर्गेनाइजर भी मिलता है, जो एक काफी डिफरेंट बात है। बाकी सब कंपनियों में आपको ये केबल ऑर्गेनाइजर देखने को नहीं मिलेगा। रियलमी ने ये कुछ अच्छा किया है अपने एयरफोन्स के साथ कि उन्होंने इसमें केबल ऑर्गेनाइजर दिया है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके MRP प्राइस की, तो इसका जो MRP रेट है वो है 799 रुपये, लेकिन 500 से 600 रुपये में ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं यार क्या कुछ हमें इसमें रियलमी ने दिया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग बॉक्स को ओपन करते हैं तो नीचे की ओर हमें इस तरीके का एक बॉक्स रखा मिलता है, जिसमें सामने की ओर रखी मिल जाती है हमें रियलमी की ओर से आने वाले रियलमी बड्स 2। तो बॉक्स में सामने की ओर ही हमें अपने रियलमी बड्स 2 रखे मिल जाते हैं, और उसी के नीचे हमें इस तरीके का एक बॉक्स मिलता है। जैसे हम उसे ओपन करते हैं, और दोस्तों बॉक्स में नीचे की ओर हमें रखे मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स, जिसमें हमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों बॉक्स में हमें रखे मिल जाती है छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हमें यूजर गाइड मिलता है रियलमी की ओर से। तो चलिए दोस्तों, इन्हें हम रखते हैं साइड में और देखते हैं यार आगे और हमें रियलमी ने क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, बॉक्स में इस तरीके की पैकिंग में हमें रियलमी बड्स 2 रखे मिल जाते हैं। तो चलो यार, मैं जल्दी से इनको इस बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने रियलमी बड्स 2 को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है, और अगर मैं इनके बुलेटिन मैग्नेट की बात करूँ तो सही में वो तो हमें इसमें काफ़ी कमाल दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर इनके लुक की मैं बात करूँ तो लुक भी सही में हमें इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ऊपर की ओर हमें इसमें ब्लैक कलर मिलता है, और साथ में नीचे की ओर हमें छोटे से पार्ट में येलो कलर देखने को मिलता है, और बाद में जो वायर है उस पर भी हमें ब्लैक कलर दिया हुआ है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है यार, वो तो सही में हमें इसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। और अगर इनके वेट की मैं बात करूँ तो काफ़ी लाइट वेट हैं। जब आप इनको यूज करोगे तो आपको ज़्यादा हैवी महसूस नहीं होंगे, और एक अच्छी बात जो ये है कि लाइट वेट होने के साथ साथ ये आपके कानों में चुभते नहीं है। अगर आप ईयरफोन्स को 2 घंटे या उससे ज़्यादा भी यूज करते हो तो आपको ये ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। तो लाइट वेट होने के साथ साथ ये काफ़ी कम्फर्टेबल भी हैं। दोस्तों, एयरफोन में नीचे की ओर हमें ये वॉल्यूम बटन्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा बटन मिलता है जिसकी हेल्प से हम अपने मोबाइल फ़ोन पर आने वाले कॉल को रिसीव कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर अब मैं बात करूं इस एयरफोन की वायर की क्वालिटी की, तो सही में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर हमें इस एयरफोन में मिल जाती है। तो ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो तो सही में हमें इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, एयरफोन के साथ हमें जो केबल ऑर्गेनाइजर मिलता है उसमें भी हमें रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूं कि आपको कैसे इस केबल ऑर्गेनाइजर को यूज करना है। तो आप इस तरीके से अपनी जो एयरफोन है उसको इस केबल ऑर्गेनाइजर की हेल्प से एक जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो एयरफोन है वो उलझेगी नहीं, और उससे हमारे जो वायर है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इस केबल ऑर्गेनाइजर की हेल्प से हम आराम से अपनी एयरफोन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अपने एयरफोन्स के जो एयर टिप्स हैं उनको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको अपने एयर टिप्स को इस तरीके से इस पैकेट से बाहर निकाल लेना है, और उसके बाद आपको जो पहले से ही आपके एयरफोन्स में जो एयर टिप्स हैं वो लगे हुए हैं उनको आराम से इस तरीके से पकड़ना है, और थोड़ा जोर लगाकर बाहर की साइड पे खींचना है। तो जैसे ही आप इनको बाहर की साइड पर खींचोगे तो आपके जो एयर टिप्स हैं वो निकल के इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद आपको वापस जिन भी एयर टिप्स को आप जिस भी साइज को वहाँ पर लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से उनको अपने एयरफोन्स में लगा सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस एयरफोन की साउंड क्वालिटी के बारे में, तो वो तो सही में इसमें काफ़ी कमाल देखने को मिल जाती है, और साथ ही इसकी जो बेस है वो भी हमें इसमें काफ़ी अच्छी सुनाई देती है, क्योंकि इसमें हमें 11.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जाता है। तो आपका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो इस एयरफोन के साथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
तो इसका जो प्राइस है 599 रुपये, उस प्राइस रेंज में इसकी जो साउंड क्वालिटी मैंने देखी वो मुझे काफ़ी अच्छी देखने को लगी है। बाकी आप 599 रुपये में इस ईयरफोन के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं अपनी आगे आने वाली नई वीडियो को अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं आपको हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।